हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्राइडल मेकअप लुक, जो कि सेल्फ ब्राइडल मेकअप लुक होने वाला है। और ज़रूरी नहीं है कि ये लुक आप सिर्फ ब्राइडल के लिए ही यूज़ करोगे, आप किसी भी प्रोग्राम के लिए ये लुक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टोनर यूज़ किया है। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हो, वो भी टोनर का काम करता है। उसके बाद जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ वो गुड वाइब्स का है। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ओलिविया का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं अपने आईलिड को कंसील कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है। अभी मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो वेट है, क्योंकि जो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर रहता है ना, उससे हमारा कोई भी कंसीलर या कुछ भी क्रीम होता है ना, वो ब्लेंड नहीं होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि जॉनसन बेबी का है, ताकि जो मैंने कंसीलर लगाया वो सेट हो, वो अपनी जगह से ना हिले। तो उसके लिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आईब्रो बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैं APK का काजल यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें आपको ब्लैक एंड ब्राउन दोनों ही मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा ब्राउन यूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा नेचुरल लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे सेम ओलिविया का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम आईब्रोज बनाते हैं, हम लोग जो काजल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं टेप यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या रहता है कि आप जो आई लुक करते हो ना, वो एकदम अच्छे से बन जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज जो मैं आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ ना, वो हुडा ब्यूटी का और MMM करके एक पैलेट आता है, मैं वो दोनों यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं हुडा ब्यूटी में से ये लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ, जो ऑरेंज जैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो मैंने कौन सा ब्रश लिया है। तो उसमें आपको वो शेड लेना है और उसको अच्छे से अपने आईलिड में लगा लेना है। उसके बाद फिर आपको क्लीन ब्रश लेके इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है। तो आपको मैं बता दूंगी यहाँ पे मैं कौन कौन सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट आप उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेके आपको फिर वो वी शेप में उसको अच्छे से डैप करके लगाना है। तो जिससे हमने अपने ट्रांजेक्शन कलर को ब्लेंड किया था, आपको वही दोबारा ब्रश यूज़ करना है और दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। तो आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, आपका आई लुक उतना ही अच्छा दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सेम ब्रश लिया है और अभी मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, उसको ही मैं आउटर वी में लगा रही हूँ और फिर सेम ब्रश से उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और उसे मैं ब्लैक कलर को लेके आउटर वी बना रही हूँ। और इनको भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्लीन ब्रश लिया है ताकि ये सब को मैं एकदम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकूँ। उसके बाद मैं अपना कट क्रीज बनाऊँगी। तो कट क्रीज बनाने के लिए यहाँ पे मैं पतला सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सेम ओलिविया का ही कंसीलर यूज़ करूँगी। तो एक बार आपका कट क्रीज बन जाए तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा और फिर उसमें पाउडर लगा दीजिएगा, ताकि आपका जो कट क्रीज है ना, वो एकदम अच्छे से सेट हो जाए।
तो अभी आप जो देख रहे हैं ब्लू हेवन का सिल्वर ग्लिटर है, तो वो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर ये सिल्वर ग्लिटर है जिसको मैं अपने पूरे कट क्रीज में यूज करने वाली हूँ। उसके बाद आप ये जो मिनी आई शैडो किट देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में मैंने अमेजोन से परचेस किया है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको 12 शेड मिल जाते हैं जो कि सिमरी होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे, तो अभी मैं इनमें से सिल्वर कलर यूज़ कर रही हूँ। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है, और इसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो उसमें से मैं सिल्वर कलर को यूज़ कर रही हूँ, आप सिल्वर भी बोल सकते हो, वाइट भी बोल सकते हो। तो ये ग्लिटर को मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा सही ग्लिटर है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा मतलब ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होता है, बस आप डायरेक्टली उसको लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, बहुत स्मूथली हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं लाइनर अपना पतला ही बनाऊंगी, आप चाहे तो मोटा भी बना सकते हो। उसके बाद फिर मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जब आप टेप को रिमूव करते हो ना, तो वो कितना अच्छा लगता है, मतलब जो आपका आई शैडो रहता है ना वो पूरे शेप में रहता है। तो आप देख सकते हो मैंने फॉल्स लेसेस लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपके पास सीरम नहीं है ना, तो आप टोनर के बाद डायरेक्ट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्रीफिक्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं अपने पूरे फेस में लगा लूँगी। तो अभी जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो फिटमी का है, तो आप इसका सेड देख सकते हो, 115 आइवरी है, और ये मेरे स्किन टोन के लिए थोड़ा सा लाइट है, तो अगर आपका स्किन टोन मीडियम है ना, तो आप 120 सेड यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा सा हमारे स्किन टोन के लिए लाइट हो जाता है, बट पूरा मेकअप करते टाइम आपको इतना पता नहीं चलेगा। तो मैं एक एक साइड में उसको अप्लाई करके फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है वो भी वेट है, तो अभी मैं यहाँ पे सिवाना का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं अपना जो फेस का स्ट्रक्चर होता है ना उसको और डिफाइन कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सेम पाउडर यूज कर रही हूँ जो कि जॉनसन बेबी का है, तो जहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर लगाया था उस एरिया को छोड़ के मैं बाकी पूरे फेस में पाउडर यूज़ कर लूँगी। तो अभी जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ वो भी स्विस ब्यूटी का ही है, तो इसका भी अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो ये कैसा है, तो आप अगर देखना चाहोगे तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ग्रीन पेंसिल यूज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे MM पैलेट से डार्क ग्रीन को लगा रही हूँ। और फिर उसके नीचे मैं उसको ब्लेंड करने के लिए लाइट ग्रीन यूज कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्लू हेवन का है, तो सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद आप उसको अच्छे से डैप कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। तो ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको ब्लश, ब्रॉन्जर और फिर आई शैडो और हाइलाइटर सब के सब मिल जाता है, चारों ही मिल जाता है। तो इसका भी मैंने आपको अच्छे से पूरा फुल रिव्यू दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो ये दोनों दिखने में आपको सेम लग रहा होगा, बट एक लाइट है और एक थोड़ा डार्क है, तो मैं स्टार्टिंग में डार्क लिपस्टिक यूज़ करूँगी,
और फिर बाद में उसके ऊपर मैं लाइट लिपस्टिक लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा लुक रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर आपको बस एसेसरीज यूज़ करना है। अगर आप ब्राइडल के लिए करना चाहते हो तो हैवी एसेसरीज यूज़ कीजिएगा, अगर आप नॉर्मल के लिए यूज़ करना चाहते हो तो नॉर्मल एसेसरीज यूज़ कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरा और मेकअप वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।